अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिनी स्कर्ट बनाना बताऊंगी। ये मैंने 1 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने 18 इंच रखी है। ऊपर से 2 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा। ऊपर से 2 इंच बेल्ट का छोड़ते हुए नीचे से मैंने इसकी लेंथ 16 इंच रखी है और ऊपर से हमें सीट की चौड़ाई का 1/4 भाग लेना है और उसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे। मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है और नीचे से हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से नीचे तक हमें इसमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी इसे हम कट कर देंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है और ये मेरे 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अभी हमें एक पार्ट को लेना है और इसे डबल फोल्ड करना है। इसके सेंटर में हमें कट लगाना है। फ्रंट पार्ट के सेंटर में हम कट लगाएंगे। ये देखिए, मैंने इसमें कट लगा दिया है। अभी जो हमारा बैक का पार्ट है उसके ऊपर हमें फ्रंट का पार्ट रखना है और साइड में हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड से हम इसमें सिलाई लगा देंगे फ्रंट का पार्ट रखते हुए। ये मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों साइड से। अभी हम इसे खोल देंगे और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसकी साइड की बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड की बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों साइड से। अभी जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसमें भी हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम एक बार फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम 1 इंच चौड़ा फैब्रिक फोल्ड करेंगे सिलाई लगाने के लिए। इसमें से हम इलास्टिक पास करेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी ये मैंने इलास्टिक ली हुई है। इसकी लंबाई हमें उतनी लेनी है जितनी आपकी सीट की चौड़ाई है, उससे हम 2 से 3 इंच कम रखेंगे। इसे हम सेफ्टी पिन की मदद से इसमें से पास कर देंगे। सेफ्टी पिन की मदद से हमें इसमें से इलास्टिक पास कर देना है। ये देखिए, मैंने इसमें से इलास्टिक पास कर दिया है। अभी इसके एंड में हम सिलाई लगा देंगे दोनों साइड से इलास्टिक को अंदर डालते हुए। उसके बाद हम नीचे की बॉर्डर को भी डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी इसे हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम बटन होल बना देंगे एंड बटन लगा देंगे और साइड में हम इसमें लूप अटैच करेंगे। ये मैंने एक पट्टी रेडी की हुई है। इसमें से हम 2 से 3 छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे, 2-2 इंच के। और जो हमारी स्कर्ट की साइड की सिलाई है वहाँ पर हमें इसे सिलाई लगानी है। लूप को इस तरह से रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे इसे मोड़ते हुए, और दूसरी साइड भी हम इस पर सिलाई लगा देंगे। और दूसरी जो हमारी साइड की सिलाई है वहाँ पर हम एक लूप अटैच करेंगे और एक लूप हम बैक साइड के सेंटर में अटैच कर देंगे। बैक पार्ट के सेंटर में हम एक लूप अटैच कर देंगे और हम इसमें बेल्ट बनाएंगे। एक हमें सीधी पट्टी लेनी है और उसे डबल फोल्ड करते हुए इसमें हम सिलाई लगा देंगे और इसे हम पलट देंगे सीधी साइड। ये मैंने इसमें लूप अटैच कर दिए है। अभी इसमें से हम बेल्ट को पास करेंगे। ये बेल्ट को मैंने रेडी कर लिया है। अभी हमें लूप में से बेल्ट को पास करना है। तीनों लूप में से हम बेल्ट को पास करेंगे।
और ये बेल्ट हमारा फ्रंट साइड पर टाइप होगा सेंटर में। इसे हम सेंटर में टाई अप कर देंगे फ्रंट साइड से। फ्रंट पार्ट के ऊपर हम बटन होल बना देंगे एंड बटन्स लगा देंगे। कुछ इस तरह से हम इस पर बटन्स लगा देंगे। आप चाहे तो सेंटर में सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं और नीचे का 2 इंच तक पार्ट हम खुला रखेंगे। अगर आप मिनी स्कर्ट बनाने के लिए स्ट्रेचेबल का फैब्रिक यूज़ करेंगे तो इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। और इस तरह से हमारा स्कर्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा मिनी स्कर्ट। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।